स्वागत है स्टीवन फूड के जंगल ब्लॉगर में। तो गाइस मैं आ चुका आज मुनीर का रिंग रोड, आउटर रिंग रोड। तो यहाँ पे मैं आज मुझे काफ़ी भूख लग रही थी तो मैंने कुछ सोचा कि बाहर से लूँ। तो मैं बाहर से मुझे ये शॉप दिखी जो शॉप का नाम है की स्पेशल तंदूरी। जो की स्पेशल तंदूरी है उसका मीनिंग क्या है वो हमारे यहाँ के ऑनर्स बताएंगे जो क्या है। एक्चुअली ये की स्पेशल तंदूरी एक ना मतलब नाम ये सिर्फ एक फीलिंग है। ये बेसिकली मैंने अपनी ना डॉटर के नाम पे स्टार्ट किया। मेरी डॉटर का नाम है गीतिका और उसका शॉर्ट नेम हमने लिया है तो फिर की उठाया ओके उसी के नाम पे मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं अपनी डॉटर के लिए लाइफ को कुछ करना चाहता हूँ इसीलिए मैंने अपने कि मैं खुद अपना ओन कुछ करूँ। तो जी एस टी इनका शॉर्ट फॉर्म है गाइस। जैसे कि इनने इतनी अच्छी रखी तो अपनी डॉटर के नाम पे इतने गीत स्पेशल रखा। तो गाइस आप गीत स्पेशल ले सकते हो कि आजकल गर्ल्स कितनी ज़रूरी है लाइफ में जो मोटिव करती है। तो गाइस ये क्या क्या सुनिंग अभी आपका हमारा नाम है उसके पास चिकन करा सबसे ज़्यादा अच्छा है हमारा। और अभी न्यू लॉन्चेस जो करे हमने जो है कौन से लॉन्चेस किया है फिश टिक्का किया है। फिश टिक्का में सबसे जो बेस्ट हमारा जो फिश टिक्का है वो है अमृतसरी फिश टिक्का। अमृतसरी फिश टिक्का की डिमांड भी और काफ़ी हमारी अच्छी भी है। काफ़ी फीडबैक भी बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आए हैं ओके अमृतसरी फिश टिक्का के। अच्छा मतलब आप मतलब चाइनीज भी रखते हो और इंडियन भी रखते हो और अभी फिश का भी जो आप और रिसेंटली हमने ना एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया। अभी तो हमारा जो रिसेंट मेन्यू चल रहा है वही चल रहा है। अपकमिंग डेज में विद इन अ वीक ना नया मेन्यू हमारा लॉन्च होने वाला है। अच्छा तो अभी आपकी शॉप को कितना टाइम हो गया? ऑलमोस्ट हमने दो लॉकडाउन देख चुके हैं, दोनों झेल चुके हैं। इससे पहले हम रिपीटेड थे अपोजिट टू जेएनयू जो मेन गेट है उसके अपोजिट थे हिल टॉप एरिया पे। तो वहाँ से हमने यहाँ मूव किया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इशूज़ होते थे जिसकी वजह से ना काम थोड़ा ख़राब होता था। और लॉकडाउन के बाद हमारे अराउंडली 2 इयर्स से ऑफ हो चुका है इसका। अच्छा हमारा ही तो गाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा काफ़ी स्पेस है। काफ़ी यहाँ पे रोड के सामने अलग ही एक व्यू आएगा आप जैसे कि ठीक देख सकते हो। और जैसे के लिए आप अगर मलाई मंदिर के लिए जा रहे हो इस सब रोड को तो ये रहा और ये रहा इनका काउंटर। ये सीधा जा रहा है नेहरू प्लेस के लिए। तो गाइस मैं आपको क्या क्या आज मैंने लिया है तो मैं आपको दिखाऊँगा और भैया से हम जैसे फूड बनता रहेगा हम बातें करते रहेंगे। तो गाइस ये ओके गाइस टमाटो ग्रेवी के है देन इसमें जो हमारे जो कुछ स्पेशल मसाले हैं वो मसाले स्टार्ट हो गए स्पेशल मसाले डल रहे हैं। अच्छा ये स्पेशल मसाला का भी काफ़ी मतलब काफ़ी योगदान रहता है काफ़ी क्रीम और बटर का ओके इससे इसमें थोड़ा बटरी टेस्ट भी आता है तो कुछ हमारे स्पेशल मसाले भी है जब हम बटर चिकन में यूज़ करते हैं। हमारा काफ़ी बटर चिकन का भी जो है काफ़ी अच्छा मतलब रिव्यू है अच्छे काफ़ी रिव्यू आते हैं। तो अभी ये बटर चिकन की ग्रेवी रेडी हो रही है। हाँ ये बटर चिकन की ग्रेवी रेडी हो रही है। तो अभी जस्ट थोड़ा सा बहुत ठीक होने के बाद ये जैसे कि इसमें चिकन पीस से डल गए तो गाइस आप देख सकते हो। तो मैं अभी आपसे ये पूछना चाहूँगा जैसे कि अभी लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन के बाद थोड़ा सही रिस्पांस आ रहा है आप लोगों लॉकडाउन के बाद से अभी थोड़ा नहीं रिस्पांस है बट हम ये चाहते हैं कि ना अब कमिंग डेज में दोबारा लॉकडाउन हो। अच्छा 2 साल में बहुत कुछ झेल लिया ये तो है भैया बस अब चाहते हैं कि थोड़ा सा बूम हो जाए बस। तो गाइस आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे पूरी कोशिश हमारी ये रहती है कस्टमर फुली सेटिस्फाई होकर रहे। डेफिनेटली भैया क्वालिटी टेस्ट और प्राइस तीनों चीज़ें हमने ऐसे रखी हुई कि किसी को ऐसा ना लगे कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ कम दे रहा हूँ ये सब बिल्कुल एकदम परफेक्ट। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात बोली भैया ने और काफ़ी हाइजीन लेवल से काम किया जा रहा है। सर पे नेट कैप भी पहन रखी है। फुल किचन है ओपन किचन है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे हमारा रेडी हो रहा है बटर चिकन जो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो गाइस यहाँ हमारा बटर चिकन रेडी हो चुका है आप देख सकते हो गाइस क्वान्टिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। अब इसकी गार्निशिंग होगी लुक एट दैट गाइस ये गिर गया गाइस बटर ओनली अमूल बटर ना भैया या अमूल का बटर है। अरे गाइस ये क्रीम डाल चुकी है लुक एट दैट गाइस फुल्ली लोडेड है।
अभी ये पैक हो रहा है। तो गाइज़ आप देख सकते हो काफ़ी वैरायटी है, तो मैं आपको ये मेन्यू दिखाना चाहूँगा। तो गाइज़ आप मेन्यू देख सकते हो यहाँ पे, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है गाइज। घी स्पेशल तंदूरी, कितना अच्छा नाम सोचा है, अपनी बेटी के नाम में सोचा है। गाइज़ जितना से जल्दी हो सके इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और मैं आपको आगे का क्लिप दिखाते रहूँगा। तो गाइज़ ये रहे इनके तंदूरी सिख, ये रहा गाइज, लुक एट दैट गाइज, काफ़ी अच्छी फ्लेम के साथ। तो गाइस बटर से इसकी टेस्टिंग हो रही है, लुक एट दैट गाइस। तो गाइस जैसे कि हमारा ये कढ़ाई चिकन बन रहा है, तो भैया आपने पहले क्या डाल दिया है? पहले धनिया डाला गया, साबुत धनिया, ये साबुत धनिया, ये जैसे कि हमारा ये हाफ डन हो चुका है, तो इसमें अब ग्रेवी डाली जाएगी, इसका फ्लेवर इनहेंस करने के लिए जो डाला जाएगा, ग्रेवी डाला गया है। अच्छा अच्छा, इसका फ्लेवर इनहेंस होगा, उसके बाद फिर आप स्पाइसेस ऐड ऑन होंगे अभी थोड़ी देर में, थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा। तो भैया ये आप ये ग्रेवी बना के रखते हो? हाँ, सेमी ग्रेवी बना। अच्छा, सेमी ग्रेवी। हाँ जी, और भैया ये क्या है, सीक्रेट मसाला? ये मसाले स्पाइसेस डाले जा रहे हैं इसमें। अच्छा, लुक एट दैट गाइस, गाइस देख सकते हो आप, जैसे कि इसकी जो ग्रेवी काफ़ी रिचनेस हो गई है और काफ़ी थिक हो गई है। जैसे कि मेरे को तो ड्राई चाहिए, थोड़ा लिपटा हुआ चाहिए। तो गाइस अब बारी है चिकन डालने की, तो चिकन पहले तंदूर करते हैं, मतलब बारबेक्यू करते हैं, उसके बाद इसमें डालते हैं। तो काफ़ी यूनिक तरीका गाइस एकदम झटपट बनाने का। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि झटपट कैसे बनता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ईजी है। लोगों को लगता है कि खाना बहुत वैसे बनता है, लेकिन अगर दिल से बनाओ तो हर चीज़ बनती है। लुक एट दैट गाइस, जैसी चिकन डाला था उसका एक अलग ही फ्लेवर आ गया। ग्रेवी का थोड़ा सा कलर भी चेंज, कलर चेंज हो गया गाइस, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग मैरिनेशन करके रखते हैं, फिर देन उसे मतलब बारबेक्यू किया जाता है, देन उसे फिर हम जो हम स्पाइसेस यूज करते हैं ना, वो आपको मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये कमर्शियल स्पाइसेस है, किचन मिस्ट के। अच्छा, किचन मिस्ट के, किचन मिस्ट, वो सिर्फ रेस्टोरेंट चेन को ही सप्लाई करते हैं वही मसाले। ओके, तो गाइस जैसे कि भैया ने बोला, जो एक किचन के लिए सर्व करते हैं रेस्टोरेंट्स के लिए। तो गाइज यहाँ पे कुछ व्यूअर्स मिले तो इस शॉप के बारे में बताएंगे। भैया आप कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, आपने क्या क्या ट्राई किया है यहाँ पे? यहाँ पे इनकी बिरयानी ट्राई करी है, कबाब ट्राई करे हैं, और इनके चिकन फ्राई ट्राई करे हैं। चिकन फ्राई ट्राई करे हैं। हाँ। अच्छा, मेरे को बेस्ट इनके मोमोज लगे हैं। अच्छा, मोमोज इनके जो है ना स्पाइसी, एकदम जो बोलते हैं ना क्रंची, मेरे को बहुत अच्छे लगे। अच्छा, इसलिए मैं आज भी वही ऑर्डर देने आया। अच्छा भाई, आपने आपने क्या क्या ट्राई किया? मैं फर्स्ट टाइम आया। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए, तो आप ज़रूर टेस्ट करके बताना कि कैसा बना। बिल्कुल सर। तो गाइज यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है इस वक्त कढ़ाई चिकन, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो गाइज, भैया क्या क्या चीज़ है भैया? ये कबाब लग रहे हैं, और उधर अपना तंदूरी है, तंदूरी लगा हुआ है। अच्छा, और इधर में कबाब वाला रोल बना। तो गाइज ये तंदूरी है, ये कबाब है। कबाब किस चीज़ के भैया? ये बेसिकली चिकन कबाब है। चिकन कबाब है गाइज, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से लगाया जा रहा है इसको। और मुझे एक खास बात यहाँ की लोकेशन का भी काफ़ी प्यारी लगी है, जैसे कि देख सकते हो खुले रोड पे गाइज, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और स्पेशल पर ये बात, ये इनका नाम है, लोग आते हैं यहाँ पे, बाइक रोकते हैं और यहाँ पे खाना ट्राई करते हैं गाइस।
प्लीज़ गाइस यहाँ पे आओ और विज़िट करो, काफ़ी रीजनेबल प्राइस भी है और यहाँ पे ये ऑनर मिलेंगे आपको, दो भैया है एक्चुअली, हम तीन भाई हैं। अच्छा, तीन भाई है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो आप, मेरा यह खाना टेक अवे हो चुका है। तो जैसे कि पहली बात, ये भी है क्या है, बटर चिकन है आपका, ये मेरा बटर चिकन और सॉरी ये कढ़ाई चिकन है, ये पनीर है, पनीर है और ये बटर चिकन है। तो गाइस आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से गार्निशिंग और रोटी और चटनी काफ़ी खूबसूरत से डाला भी है, डिस्पोजर भी दे रखे। तो गाइस अब मैं वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। गाइस मैंने यहाँ से फूड टेक अवे करा लिया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा टेक अवे करा के। तो आप गाइस देखो मेरा खाना टेक अवे हो चुका है। और एक और खास बात गाइस, यहाँ पर स्टाफ काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो तो भाई लोगों ने मेरा खाना बनाया। और जो ये तीन भाई यहाँ के ऑनर हैं, तो भाई का नाम क्या है, अमित, कोविंद। तो गाइस आप यहाँ पर ज़रूर आना, इन जरूर इन भाइयों से मिलना, आपको बढ़िया से बढ़िया खाना देंगे और एकदम हैप्पीली भेजेंगे। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खाने के लिए हमारा आउटलेट। तो गाइस ज़रूर आना, इस वीडियो पर जाएगा व्यूज चाहिए और हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो गुड बाय गाइस।